हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन बायल में। आज मैं उपस्थित हूं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, बीएसटीसी काउंसलिंग 2024 में होने वाली समस्या अपवर्ड मूवमेंट क्या है, अगर कॉलेज नहीं मिली तो क्या होगा, रिपोर्टिंग करवाने के बाद डॉक्यूमेंट्स तो फीस वापस होगी नहीं होगी, तो इन सभी के बारे में चर्चा करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली न्यूज का नोटिस आपको जरूर पहुंचे। बीएसटीसी 2024 काउंसलिंग PDLD AD 2024 BMO यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित करवाई गई थी, ठीक है, और फिलहाल में आयोजित करवा रही है। अपवर्ड मूवमेंट, मोस्टली अपवर्ड मूवमेंट क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में 3,000 रुपए जमा कराने के बाद ई मित्र में, ठीक है। उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट का मतलब आता है कि आपको अगर लिस्ट, कॉलेज लिस्ट में आपका नाम है तो आपको अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, जिसमें अपवर्ड मूवमेंट मतलब होता है आप मन पसंद की कॉलेज चूज किए हो फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है, तो आपका नाम वहां पर नहीं आया है। आपको जैसे पांचवी कॉलेज आपने चूज की है तो आपको दसवीं कॉलेज मिली है, तो 100 आप अपवर्ड मूवमेंट पांचवी में अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई अपवर्ड मूवमेंट क्या है, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट करवाने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद, ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप ये अपवर्ड मूवमेंट करवाने के बाद, ठीक है, 10 में पांचवी कॉलेज मिल जाती है, कॉलेज मिलने के बाद में रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, ध्यान रखना, कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर कॉलेज नहीं मिली तो क्या होगा, तो 100 पहले वाली कॉलेज आपको अलॉटमेंट थी ना, वही कॉलेज आपको अलॉटमेंट कर दी जाएगी, उसी में आप फीस जमा कराना सब कुछ अप्रूव नहीं होगा। अगर आप वहां पर, ठीक है, आपका नाम लिस्ट में नहीं आने के पश्चात, अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो क्या होगा, 3,000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जमा करवाए थे तो आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो 100 रिफंड का फॉर्म लगेगा, उसके बाद में आपको 100 रुपये काटकर 29 रुपये आपको बैंक के द्वारा मिल जाएंगे, ठीक है। कॉलेज आवंटन होने, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, और नॉन रिपोर्टिंग कॉलेज, जैसे आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाई है तो आपके 3,000 रुपये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो 3,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, इनमें से आपके 500 रुपये काट कर 2,500 रुपये आपको दे दिए जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉलेज आवंटन होने में नॉन रिपोर्टिंग कॉलेज, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे ना तो 3,000 रुपये में से आपके 500 रुपये काट लिए जाएंगे और 2,500 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। ये हो गई अपवर्ड मूवमेंट क्या है, इन सभी के बारे में। तो 100 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आप जरूर पहुंचे। थैंक यू।